केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने झारखंड के एकमात्र भारतीय खेल प्राधिकरण के हजारीबाग के पद्मा केंद्र को 20 लाख रुपए का उपकरण देने की घोषणा की है। साथ ही खिलाड़ियों के लिए आने जाने हेतु एक बस की भी व्यवस्था करने की बात कही है। इस आशय की जानकारी हजारीबाग के सांसद सह संसदीय बीच समिति के अध्यक्ष जयंत सिन्हा ने दी। श्री सिन्हा ने बताया कि खिलाड़ियों के फिटनेस को ध्यान में रखते हुए 20 लाख रुपए का उपकरण दिया जाना उनकी गतिविधियों और प्रतिभा को निखारने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि बस मिलने से खिलाड़ियों को आवागमन में भी सुविधा होगी। उन्होंने आशा जताई कि आने वाले समय में इस साई केंद्र को और बेहतर बनाने के लिए उपाय किए जाएंगे। सांसद श्री सिन्हा ने खेल मंत्री किरण रिजिजू एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने दिल की गहराई से धन्यवाद दिया है। सबको मेरा नमस्कार। साथियों, आज एक सुखद समाचार मैं आपको देना चाहता हूँ। माननीय खेल मंत्री श्री किरण रिजिजू जी से मेरी भेंट हुई और उन्होंने बताया कि पद्मा में जो हमारा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो केंद्र है उसको वो और भी साधन देना चाहते हैं। आप सबको मालूम है कि पूरे झारखंड में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सिर्फ एक केंद्र है और वो पद्मा प्रखंड में है। माननीय खेल मंत्री जी वहाँ 20 लाख का और जिम इक्विपमेंट देने वाले हैं, जिसमें कि वहाँ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, उनका फिटनेस हम लोग और बेहतर बनाएं। और वहाँ एक बस भी देने वाले हैं जिसमें कि सब जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो वहाँ से जाकर स्कूल वगैरह का दौरा कर सकते हैं। साथियों, माननीय खेल मंत्री जी ने ये भी कहा है कि आगे और सब जो भी साधन हम लोगों को पद्मा में देना होगा, स्पोर्ट्स सेंटर को देना होगा, वो ज़रूर देंगे। और इस प्रकार से हमारे ग्रामीण क्षेत्र के और दूर दराज गाँव के जो वहाँ स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनको बेहतर से बेहतर हम ट्रेनिंग और बेहतर से बेहतर हम उनको फैसिलिटीज देते रहें। मैं माननीय खेल मंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि उनके ही सहयोग से हमारे बच्चे आगे और तरक्की करते रहेंगे। आप सबको बहुत धन्यवाद।